भक्त के मन में यदि कोई शंका हो तो उसे अपने आराध्य से कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। शंका अज्ञानता से उत्पन्न होती और इस ज्ञान सभा का उद्देश्य अज्ञानता को दूर करना है। ऋषि प्रिंगी, आज की ज्ञान सभा का प्रथम प्रश्न आप क्यों नहीं पूछते? प्रभु, आप तो अंतर्यामी, आपसे कहां कुछ छुपा है? क्या मैं केवल आपकी पूजा कर आपकी कृपा का पात्र नहीं बन सकता? क्या मेरी भक्ति संपूर्ण नहीं है? क्या मुझे सर्वव्यापी महादेव तक पहुंचने के लिए भगवान विष्णु की, ब्रह्मा जी की, देवी लक्ष्मी की, देवी सरस्वती की या फिर देवी पार्वती की पूजा करनी अनिवार्य है? भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है ऋषि भृंगी, कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु। विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम। आपने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं। प्रभु, ये मैं नहीं कहता, ये तो परम सत्य है। सारा संसार इस सत्य से अवगत है। ऋषि भृंगी, मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। ये भी सत्य है ऋषि भृंगी। हाँ प्रभु, मैं नंदी को यही समझा रहा था। किंतु सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है ऋषि? प्रभु, जो संसार के कण कण में व्याप्त हो वही सर्वव्यापी है। कहीं भी देखूं तो आप ही हैं वहां। यही मेरी भक्ति है और यही उस भक्ति की पूर्णता है। और यही आपका भ्रम। यदि आप मुझे सर्वव्यापी मानते तो नारायण में भी आप मुझे ही देखते। ब्रह्मदेव में मुझे पाते, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती को नमन करते हो। आपको मुझे नमन करने की अनुभूति होती, मुझे पाने की अनुभूति हो। किंतु ऐसा नहीं हुआ ऋषि भृंगी, और इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी भक्ति संपूर्ण है। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते। ओम नमः शिवाय।